हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन के अंदर सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपना नया स्मार्टफोन जो सैमसंग गैलेक्सी J4, और इसकी प्री ऑर्डर की भी शुरुआत वहां पे हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है आने वाले कुछ ही हफ्तों में या फिर महीनों में ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। हालांकि यहाँ पे सैमसंग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, और क्या आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, और आगे चल के अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी J4 के अगर आप डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को देखोगे तो यहाँ पे डिजाइन कुछ भी खास नहीं है, ना ही कोई नयापन है, वही पुराना इनका घिसा पिटा डिजाइन यहाँ पे दिया गया है, और बॉडी भी यहाँ पे आपको प्लास्टिक का बॉडी मिलता है। दोस्तों, सामने की तरफ दिया गया 5.5 इंच का HD डिस्प्ले, मई का महीना है 2018, और अभी भी ये 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के डिस्प्ले के साथ अटके हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। दोस्तों, परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है सैमसंग का खुद का प्रोसेसर एक्सिनो 7570। ये क्वाड कोर प्रोसेसर है जो क्लॉक करता है 1.4 गीगाहर्ट्ज पे, और ये कॉर्टेक्स A53 आधारित प्रोसेसर है जिसे बनाया गया है 14 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के बेस पर। तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन से काफी अच्छी मिलने वाली है, लेकिन गेमिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें कैमरास की तो यहां पे पीछे की तरफ दिया गया 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिसका अपर्चर है F1.9, और सामने की तरफ दिया गया 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इसका अपर्चर है F2.2, और अंधेरे में हमारा मुकड़ा चमके इसलिए यहाँ पे दिया गया एक LED फ्लैश भी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको कितनी जबरदस्त और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्फी फोटोज मिलने वाली है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को जगाए रखने के लिए इसमें दिया गया 3000 mAh की बैटरी, माइक्रो USB 2.0 के साथ ये आता है। दोस्तों, ऑटो बॉक्स ये आने वाला एंड्रॉइड ओरियो के साथ 8.0, और बात अगर हम करें रैम और स्टोरेज की तो इसमें दी गई है 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज। डुअल सिम स्मार्टफोन है और यहाँ आप माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा पाओगे 256GB तक का। दोस्तों, बहुत ही अजीब सी बात है, इसके प्रोडक्ट पेज में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इस स्मार्टफोन में किस तरह का सेंसर दिया गया है। तो सेंसर को लेके फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, यूक्रेन के अंदर इसकी जो प्राइस निकल के आई है उसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी प्राइस बनती करीब 12,500 रुपए। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो प्राइस इन्होंने यहां पे रखी और इसी प्राइस के साथ अगर ये इंडिया में लॉन्च करते हैं तो काफी ओवर प्राइस स्मार्टफोन ये होने वाला है। और आपको भी पता है कि 15,000 रुपए के अंदर आपको कितने सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं जो इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन आपको देते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको इतना ही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप सैमसंग के डाईहार्ड फैन हो तो भी इस स्मार्टफोन को कंप्लीटली इग्नोर करिए। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या आप वेट करोगे सैमसंग गैलेक्सी J4 के लिए, या फिर आप जाना चाहोगे किसी और स्मार्टफोन के साथ जो फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है और इससे बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो उसका कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।